और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर साई कैबिनेट का शपथ ग्रहण कल हो सकता है। 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। आपको बता दें कि कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले जो जानकारी सामने आ रही थी 19 तारीख माना जा रहा था कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन इसे थोड़ा डिले कर दिया गया और माना जा रहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि कल मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है और कल दिल्ली जाने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, ये माना जा रहा है, इससे कंफर्म माने कि कल मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब शपथ ग्रहण होगा? देखिए, बिल्कुल, अटकलों का बाजार तो गर्म रहा है कि अलग अलग तारीखें निकलकर सामने आती रही हैं, लेकिन अब जब विधानसभा का सत्र भी खत्म हो रहा है आज, तो ऐसे में इस बात के संकेत तो मिल ही गए हैं कि कल 11 बजे के आसपास राजभवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। और इसकी जानकारी जो है वरिष्ठ नेताओं के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। चर्चा चल रही है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास राजभवन में 8 मंत्रियों का शपथ हो सकता है। हालांकि अधिकृत तौर पर अब भी बीजेपी और जो बड़े स्थानीय नेता है वो इसे इस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं बयानों में, लेकिन संकेत इस तरीके के हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं अनुराग अग्रवाल, उनसे हम बात करते हैं। कोई ऑफिशियल जानकारी आई है कि अब तक की मंत्रियों का शपथ ग्रहण कब तक होना है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि विषय सुशासन का है, ये तो बड़ा गौण विषय है कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण कैसे होगा, समय अनुसार हो जाएगा। विषय ये है कि कांग्रेस के 5 साल के जो धोखेबाज सरकार, वादा खिलाफी सरकार, आत्ताई सरकार से जनता को छुटकारा मिला है। रही बात जो जनसेवक है, मुख्य जनसेवक और 2 उपमुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, बाकी लोग भी यथा समय शीघ्र ही चुने जाएंगे, ये निश्चय है। संगठन को फिलहाल कोई खबर नहीं है। मैंने कहा ना, ये विषय ही भारतीय जनता पार्टी के लिए गौड़ है। अभी तो विषय है, हमने आज अध्यक्ष नियुक्त किए हैं और बाकी चीजें यथा समय आपको पता लग जाएगा। देखिए, संगठन को फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, ये बता रहे हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक महकमा जिस तरीके से तैयारियों में जुट चुका है, ये इस बात के संकेत है कि शपथ ग्रहण को लेकर जिस तरीके से कयासबाजी अब तक चल रही थी, वो कयासबाजी खत्म होती नजर आ सकती है। और आधिकारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद ये स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी कि शपथ ग्रहण का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है सूत्रों के हवाले से कि कल साय सरकार यानी साय कैबिनेट के जो दूसरे मंत्री हैं, तकरीबन 8 मंत्री, इनका शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे के आसपास राजभवन में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी संशय रह सकता है आशीष, क्योंकि हमने पिछली दफा देखा 2-3 दिन पहले जब इंडोर स्टेडियम में तैयारियां चल रही थी और आखिरी मोमेंट में पता चलता है कि अभी शपथ ग्रहण नहीं होगा, इसको लेकर संशय जरूर होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये भी, क्या इसको लेकर भी जानकारी है कि जो केंद्रीय नेतृत्व लगातार चर्चाओं के लिए बुला रहा था, उसमें केंद्रीय नेतृत्व फेल रहा, ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ आलाकमान को दी गई है कि आप लोग ही एक एक मंत्री तय करें? देखिए, पिछले दिनों जो बैठक दिल्ली में हुई थी, महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, पिछले दिनों जो बैठक दिल्ली में हुई थी उस बैठक में ही मंत्रियों के नाम पर रायशुमारी चली है और लंबी रायशुमारी चली है। और रायशुमारी चलने के बाद जो जानकारी कहती है आला नेताओं के हवाले से कि लगभग सहमति बना ली गई है कि साय कैबिनेट के चेहरे कौन कौन से होंगे, लेकिन इसे रिवील नहीं किया गया। मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री यानी अरुण साव और विजय शर्मा, ये तीनों चेहरे दिल्ली के दौरे पर थे। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हुई थी, रायशुमारी हुई थी, और इस रायशुमारी में ही मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाने के संकेत नेताओं के जरिए मिले हैं। लेकिन चेहरे कौन होंगे इसे लेकर संशय की स्थिति जरूर बनी रही। इसके पीछे के समीकरण नेताओं के जरिए ये मालूम चला है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी कैबिनेट का विस्तार होना है, तो ऐसे में वहां के निर्णय के पहले निर्णय को रिवील नहीं किए जाने की रणनीति पर बीजेपी काम करती नजर आई थी, क्योंकि अब एक बड़ा टास्क बीजेपी का था कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत हो, विधायकों को शपथ दिला दिया जाए, ये प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के पास अब लेट लतीफे की कोई दूसरी वजह नहीं है। ऐसे में जो प्रशासनिक सूत्र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कल राजभवन में होगा, तो लगभग अब मान लिया जाना चाहिए कि ये सच्ची खबर हो सकती है।
हालांकि जिस तरीके से मैंने कहा कि कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, आधिकारिक तौर पर भी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी, थोड़ा इंतजार अभी भी जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन हम पहले ये भी जानकारी सामने आ रही थी, ये माना भी जा रहा था कि हो सकता है कि जब सत्र चलेगा उससे पहले ही गठन हो जाएगा मंत्रिमंडल का, लेकिन वो भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इंतजार किए केवल इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन और इसी लेट लतीफी पर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है, जो लेट कर रही है बीजेपी अपने मंत्रिमंडल को लेकर, कांग्रेस का क्या कहना है फिर से? देखिए, कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा वक्त है, बड़ा मौका है, क्योंकि आप तारीख देखिए, 3 तारीख को नतीजे आए, 3 तारीख को स्पष्ट हुआ कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 17 तारीख को स्पष्ट हुआ कि चेहरा कौन होगा, और आज की तारीख देखिए, अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा जो साई कैबिनेट है उसके चेहरे कौन कौन होंगे। लेकिन बीजेपी प्रक्रियाओं में उलझी रही, बीजेपी बाकी राज्यों के समानांतर एक निर्णय की स्थिति में आने की जद्दोजहद में जुटी रही, और बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि विधानसभा सत्र के बाद मुमकिन है कि शपथ ग्रहण कर दिया जाएगा। हालांकि ये भी बयान आया कि मलमास चल रहा है, ऐसे में बीजेपी इन चीजों को मानती है और शपथ 1 महीने बाद होगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि मंत्रिमंडल की कवायद शुरू हो चुकी है इसलिए शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि अब जब विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है, कांग्रेस का एलिगेशन इस भी जरूर हम सुन रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, बीजेपी सरकार ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के चेहरे हमारे सामने देखने को मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर आशीष जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए भी। और ये माना जा रहा है